साथी कलाकार उस्ताद लोग, मेरे नौजवान भाई, आप सभी को मेरे और पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार है। बहुत ही बधाई के पात्र आप लोग। ये होली का त्योहार ये भी एक असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है। बताते हैं कि नारायण के भगत, श्री विष्णु भगवान के भगत प्रहलाद बचे थे आज के दिन और पाप चढ़ा था होलिका के रूप में। हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं, कितने सीटी बजवाए गांव में मुंडा बोली बोल दूंगा। क्या भाई कण में ना बता सीटी बजवाड़ पैसा की क्यों है। वो अपने आप के बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाबा वीरेंद्र के सौजन्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। बाबा के मंदिर में बिना माइक का प्रोग्राम था, 2 साल लगातार चले। प्रवीण रानीला भाई के सहयोग से अपना जो भी कमेटी का गांव का जो सहयोग रहा, बड़ी खूब बात करी भाई। उनके 3 दिन है, जैसे भी हमारे सीनियर हैं, एक बच्चे की तरह लाड प्यार करया, दुलार करया। आज फिर वह बात आ जाए, मैं घना जिगरा करूंगा तो सुरेश ने ना लेगा था, बोला तू ब्याणिया ने की बड़ी मेर ले सार। बोला बस जो जिसने करे ना भूल जाए, मानस ने किसा है वो गुण चोध नहीं होना चाहिए। ऐसा अनफरामोश के दिया रसी दी भाषा में, मान लो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, विषया ना आ रही ना भूल जा। हर भाई जी सा वो कह था विकास भाई, बोले उन लंगड़ा बेशक से पैर में वाकई मेरे बहुत ज्यादा दर्द है, पर वो ईसा था जो सपेला बीन भूल गया रिवाज राग निगान आ गया। कोई ना बेटा तेरा मेरी के लिए रंगकाट सही तो मैं पी भी लू। रही बात नहीं, कोशिश की, एक कोशिश हम भी करके देखते हैं। आपके बीच में बताया कि जब वो राजा मदन सेन उस चंद्रकर्ण के फोटो को देखते पागल हो जाते, बड़ी चोट लगी। रानी समझाती है कि महाराज आप क्यों पागल हो रहे हो, फोटो है कि नहीं भैयो है चाहिए, मैंने तो फोटो वाली चाहिए। एक बात में रानी समझाती, क्या बताया दादा ने कैसे क्या कैसे। ओ और 70 धारी राजा भूल में और कागज की तस्वीर देखते पूरो वैसे पिया।
बड़े भाई एसआई सज्जन सिंह परमार साहब, बजरंग साउंड सोशल पीछे मिलकर तीनों ने मार्ग का मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है। एक रागी प्रेमी ने और मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरी कली में कैसे माड़ा हो गया के चक्र में राजा की क्या ड्यूटी हुए उसका क्या कट्टे हुए वो तो देख ले मैं कैसे क्या कह दिया क्या बताया। पापोड़ा निवासी 100 रुपए से खुश होकर पार्टी का मान सम्मान करते हैं। छोटे भाई को तहे दिल से बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। वो नु ब्लैक ब्याह ना हुआ था बड़े बाबू कि मैं जुगाड़ करवा है कि नहीं, ये किले गौशाला में नहीं जो मैं जीते जीते तो मेरा नाम आवा तो बैठ लिए चले गए पूरे नकल करते करने कि मैं आप खर्च दिए जो बच गए उन हिसाब किताब बनवा का बहुत हुआ दिए पर थोड़े पीछे बकाए रह गए। बोला भी बोला दो महीना टाइम दे दो, दो महीने मोटे दे दो ना एक बार सचिन काम का दाखला है बोया पीछे भी ना बने ना बाबू ने दी ना यार पहले ने दी वे बिचोली ये थे वे आए बोले हाँ भाई लोना ले कितनी बोले पीछे रह दे भाई बहू के वो बोला भाई तो ना बने बोला फिर ब्लैक भी नहीं दीजिए वहाँ चले कि नहीं दीजिए भाई वो एक महीने में मिला बनन पाए बोले बच्चे बात ईब कहोगे तब ते मांग लिया तुम्हार नगे ते पीछे दे दिए ना ठीक ना होगा बोले उन सोची क्या होना इब्दात हो गया वो अगले हफ्ते में भी पीछे ना दियो वो उन्हें बैठा लेके हम ये कर क्या क्या दी पीछे दे जागा ले जागा आओ गले न बोला इबे स्वादु बार बार मनु वो जबले रखो या ना दिखती वो दितल्ला टूट गया उसका जमाए वो जट बार बार नु खोद मारे जिस तरह मेरे तो नहीं कहते प्रोग्राम में ना हुआ ना 50 नहीं से मिलेंगे बदले जिम्मेदार लाई है नंद गुरु का ये बूढ़ा नहीं बोला आज 50 तो या बात याद दुआ देंगे कि मैंने बूढ़ा बोला दिया पांच चरण में मुंह पूछ लेंगे बोले फंदे जी लेने के जो आ रहा टाइम है एक आधा पी का मुंह लागा तो रहा कह देगा ले हूं ओके बाण उड़वा वहां पे बताओ फिर हम मुंडे बोल जाए बोला बाबा वो उना दी की किससे इतना तो पा गया नोला बाबा सुन लो किस्त ना भरी गई फाइनेंशियल खा ले गए और के करा भाई तुम पारते अगली कली में कैसे क्या कह दी क्या बता
बहुत ही आदरणीय बाबा वरिंदर बंशी प्रधान जी, भाई टीनू, भाई राकेश, कई के नाम रह गए, सौ रुपए से मान सम्मान किया। बहुत ही आदरणीय गोविंद प्रधान जी, 500 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय बड़े भाई आनंद तैथल से 200 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। खन्ना घाटी में ताना लगावा है नाम तेरा डर बोलना मन भी खेत तेरी नजर आ रहे हैं क्यों ही पहले 18 तारीख तक तैयार होया लगा तू भी पहुंच लो कुछ मार रहना था कैसे चौथी गली में दादा ने क्या कह दिया क्या बता सारा रोड़ा खटक का हो से ईब वो न्यू का अगर एक जास कोई भी चीज तैयार करने से पहले बनाने से पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है कि इसको ये रूप देना फिर वो रूप मिलता है। ईब गणखेरन तो नू खटक से अपी से कमाने गणखेरन तर्जा का है गणखेरन साज की सब अप अपनी चॉइस होती है सब अप अपनी जगह ठीक भी होते हैं ये सच्चाई है। जिसने जितना ज्ञान जिस चीज का स्वाद जिस चीज का अभ्यास उड़े मजा हो रहा कुछ आना दादा की बात का खटका है। आखिरी कली में बात इतनी बढ़िया कही आखिरी फिक्र में क्या कह दिया चलती छोटी बात कैसे क्या बताया क्या बताया पहलवान जी अत्तर भाई साहब 200 रुपए से मान सम्मान किया बहुत आदरणीय सुमेर पंत साहब 100 रुपए से मान सम्मान और किया बार बार धन्यवाद धन्यवाद कैसे क्या कह दिया क्या बता जो कोशिश थी वो क्या थी ओ बेकरार दिल में इतना मजा है ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है ओ बेकरार दिल में मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद है धन्यवाद सभी का बार बार धन्यवाद है धन्यवाद।